हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक फल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सीताफल, और जिसको हम लोग शरीफा के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको कस्टर्ड एप्पल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आज डिटेल बताऊंगा आप लोग को कि इसको अगर हम खाते हैं या आप खाते हैं तो कितना फ़ायदेमंद होता है, इसमें कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये फल जहाँ भी आपको मिले तो इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही यह उपयोगी होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसको पूरा जानने से पहले, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो है उस पर लिंक दिया है, आप चाहें तो खोल करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूँ शरीफा के बारे में, यानी कि सीताफल के बारे में। तो सीताफल, जैसा कि हम आपको बता दें कि यह जो है ठंडी के मौसम में आपको खाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और इसका फल जो होता है हरे रंग का होता है और दाना दाना की तरह होता है, ऊपर से हरा होता है बिल्कुल देखने में, और अंदर जो होता है बिल्कुल जो है सफ़ेद क्रीम की तरह, जो इसके अंदर का गुदा होता है सफ़ेद क्रीम की तरह होता है, और जो इसका बीज होता है वह काले रंग का होता है। दोस्तों, यह ऊपर से देखने में हरा होता है लेकिन जब पक जाता है तो इसको खाने पर बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सफ़ेद एकदम क्रीम की तरह निकलता है, और इसका जो है फल मीठा होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और राइबोफ्लेविन थियामिन एक तत्व होता है वो भी इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो शरीफा होता है यानी सीताफल होता है, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है प्रचुर मात्रा में होने की वजह से हमारे हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। फाइबर जो है हमारे भोजन को डाइजेस्ट अच्छा करता है और फैट को जो है बर्न करता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो है विटामिन और आयरन किसी के अंदर कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो सीताफल का अगर उपयोग कर रहा है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन या विटामिन की कमी नहीं होने देता है, और हमारे शरीर को हर प्रकार से फिट रखता है, हमारे हार्ट को सही रखता है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं होने देता है, और हमारे डाइजेशन को सही रखता है, हमारा भोजन सही से पचता है, और फाइबर होने की वजह से हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वे कड़े होते हैं, गठीले होते हैं, और बॉडी में जो है फालतू के फैट नहीं होता, फालतू की चर्बी नहीं इकट्ठा हो पाती। तो चलिए मैं आप लोग बता दूँ सीताफल खाने के कितने प्रकार से हमें फ़ायदे हैं। तो पहला नंबर, फाइबर की प्रचुर मात्रा होने की वजह से या विटामिन होने की वजह से हमारे जो पेट की समस्या होती है, कब्जियत की समस्या होती है, ये होती नहीं है, पेट हमारा साफ रहता है, डाइजेशन सही रहता है। सीताफल में कॉपर और फाइबर प्रचुर मात्रा होने की वजह से जो हमारा स्टूल होता है यानी कि मल होता है वो कड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और पेट साफ रहता है, गैस की कोई शिकायत नहीं रहती है, और पाचन तंत्र जो होता है मजबूत होता है, और कोई भी भोजन हम करते हैं तो ये डाइजेस्ट हो जाता है अगर हम सीताफल का प्रयोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला अगर कोई सीताफल का प्रयोग कर रही है तो उसको किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी। अगर बहुत सी महिलाओं को उल्टी होता है, घबराहट होती है, कमजोरी लगती है, तो उसको कमजोरी नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी अगर सीताफल का उपयोग कर रही है तो, और उसका जो है पेट भी सही रहता है, भूख भी लगती है अच्छे से, और जब शिशु को जन्म देती है तो उसके बाद अगर सीताफल का प्रयोग कर रही है तो जो महिलाओं में दूध बनता है यानी कि ब्रेस्ट में दूध उतरता है तो वो कम नहीं होगा, दूध की कमी नहीं होती है अगर सीताफल का प्रयोग कर रही हैं महिलाएं तो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप सीताफल खाइए। सीताफल में जो है शर्करा की मात्रा होती है जो कि प्राकृतिक शक्कर होता है, वो वज़न बढ़ाता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, नहीं आपके शरीर में किसी प्रकार की हानि होने देता है अंगों को। तो अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप सीताफल का प्रयोग करिए, आपका वज़न बढ़ जाएगा, जो आँख दसी है, गाल पिचका है, वो बिल्कुल उभार में आ जाएगा, शरीर में जो है मोटापा आ जाएगा अगर सीताफल का प्रयोग कर रहे हैं तो। अगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो,
लड़की लड़का कोई भी अगर इस तरह से है, दुबला पतला है, वजन बढ़ाना चाहते हो तो सीताफल का प्रयोग करें। इससे वजन बढ़ता है और शरीर स्वस्थ भी रहती है। सीताफल का जो फल होता है या शरीफा का जो फल होता है वो तो फायदेमंद होता ही है, और सीताफल की जो छाल होती है उसमें टैनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो दांतों के मसूड़े के लिए लाभदायक होता है। अगर उसका छाल को छुड़ा करके सुखा करके उसका पाउडर बना करके दांतों पर मालिश करें तो जो दांतों में प्रॉब्लम होती है या मसूड़े कमज़ोर होते हैं उसमें समस्याएं जो आती है उसको सही कर देता है, और कैल्शियम की मात्रा होने की वजह से दांत मजबूत भी बनता है और किसी प्रकार की दांतों में दिक्कत नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की बदबू आती है अगर इसके छाल का जो है पाउडर बनाकर हम जो है दातुन कर रहे हैं या तो मंजन कर रहे हैं। तो छठवां फायदा जो शरीफा का होता है या सीताफल का होता है दोस्तों, इसमें जो विटामिन ए और विटामिन सी तथा राइबोफ्लेविन जो तत्व तो पाया जाता है या विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके कारण जो आँख होती है उसकी रोशनी जल्दी से ख़राब नहीं होती है और आँखों की जो रोशनी होती है बरकरार रहती है और आँखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति की रोशनी घट रही है तो ऐसे व्यक्ति अगर इसका प्रयोग करते हैं शरीफा का यानी सीताफल का तो उनकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है और घटती नहीं है। जो दिन रात लैपटॉप पर काम करने वाले बच्चे हैं या मोबाइल पर काम करने वाले टीवी देखने वाले, तो जो अल्ट्रावायलेट रेयर की वजह से या एक्सरे की वजह से जो है आँखों पर नुकसान पहुँचता है, अगर सीताफल का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चों या महिला पुरुष के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि दिन रात जो है लैपटॉप के सामने बैठते हैं या तो टीवी के सामने बैठते हैं, तो आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है हमारा जो सीताफल यानी शरीफा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सा फ़ायदा होता है। अगला फ़ायदा मैं बता दूँ दोस्तों कि जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती है, उनका दिमाग टेंशन में रहता है, तो ऐसे लोग इसका प्रयोग करें। और जिन को दस्त की शिकायत है या पेचिस की शिकायत हो तो कच्चा सीताफल जो अंदर का जो भाग होता है गुदा भाग उसका प्रयोग करें तो जो उसका पेचिस की शिकायत है या दस्त की शिकायत वो ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो जो अंदर का सफ़ेद वाला क्रीम वाला भाग होता है उसको कच्चे में ही निकाल कर सुखा करके पाउडर बना कर रख सकते हैं। कभी भी किसी को दस्त की शिकायत हो या पेचिस की शिकायत हो तो उसमें फ़ायदेमंद होता है, तो इसको आप जब चाहें तो इसको भिगो कर उपयोग कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आप लोग को सीताफल के बारे में डिटेल जानकारी दे दिया है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से हमें फ़ायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।